गाइस, सो आई एम बैक अगेन। तो अगर आप प्रो कबड्डी फॉलो करते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो आपको मेरे कम्युनिटी में पोस्ट देखने को मिला होगा 19 तारीख को। तो मैंने वहां पे एक पोस्ट में डाला था कि जो पटना पायलट्स का जो मसाल स्पोर्ट्स है, उन्होंने जो पटना पायलट्स के मैनेजमेंट के साथ मतलब बातें किया है, उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो मैच नंबर 67 जो पटना का होने वाला है बेंगलुरु के खिलाफ, वो मैच को रीशेड्यूल किया गया है। अब रीशेड्यूल मतलब क्या होता है कि वो मैच अब आगे होगा, ठीक है, बाद में होगा। तो ऐसा क्यों हुआ और क्यों उस मैच के जगह हमें बेंगलुरु और बंगाल का मैच देखने को मिला, तो क्यों ऐसा हुआ? डेफिनेटली जो भी प्रो कबड्डी का फैन है, उसे पसंद है प्रो कबड्डी देखना, तो डेफिनेटली उन व्यूअर्स का ये डाउट आया ही होगा, ये पॉइंट उन्होंने पकड़ा ही होगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कोई प्लेयर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो देखो, जो डाउट से कोई और बहुत लोग ये भी संकल्प जता रहे कि पटना का कोई प्लेयर कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो जो भी डाउट से मुझे जितने पता चला इन्फॉर्मेशन मैं सब शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब से प्रो कबड्डी फेज टू चालू हुआ है और कोरोना का जब से बढ़ रहा है सब कुछ, मतलब कोरोना बहुत फैल चुका है यार, आप सबको पता है, तो सबसे पहले मास्क वास्क पहनो और जो जो प्रिकॉशंस लेना सबको फॉलो करो। तो ठीक है, पहला डाउट ये है कि अब ऐसा क्यों हुआ है फेज टू में ही, ऐसा क्यों हुआ है फेज वन में हमें देखने को नहीं मिला। आजकल पहला चीज ये हुआ है कि जब से ये केस हुआ है कोरोना का, तब से मतलब मैच जैसे खत्म होता है तो एक प्लेयर जब हैंडशेक होता था, सारे प्लेयर एक दूसरे को बधाई देते थे, वो चीज़ भी अब नहीं हो रहा है। अब हर टीम अपने कोर्ट से ही मतलब एक टीम को बधाई दे रहा है, कोई भी हाथ नहीं मिला रहा है और जो भी है मास्क वास्क का सब प्रिकॉशंस प्रो कबड्डी में फॉलो हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि हैंडशेक भी नहीं कर रहे मैच खत्म होने के बाद? तो देखो, और बहुत न्यूज आ रहा है कि पटना पायलट्स के कोई प्लेयर है पॉजिटिव पाए गए, तो ठीक है मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। देखो, सबसे पहला चीज, पहले प्लेयर मोनू गोयत है। अब क्या मोनू गोयत पॉजिटिव हुए थे? देखो, जो राम मेहर सिंह जो पटना के कोच है, उन्होंने ये कहा है कि मोनू गोयत को हमने रेस्ट दिया है, मोनू गोयत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो पटना के कोच जो राम मेहर सिंह है, उन्होंने कहा है कि मोनू गोयत को हम रेस्ट देंगे कुछ मैचेस के लिए, और वो लास्ट 2-3 मैचेस से नहीं खेल रहे, ठीक है। ये जो न्यूज़ आया था, देख लो एक बार, पोस्ट मैंने डाला है, ये देख लो, ठीक है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा मैंने पोस्ट डाला था जो कबड्डी का ऑफिशियल आया था। तो क्या मोनू गोयत सही में पॉजिटिव है? सबसे पहला बात, अगर आप पटना पायलट्स की साइट को फॉलो करते हो तो वहाँ पर आपको मोनू गोयत प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यही बात है मोनू गोयत। अगर देखो, सबसे पहला बात कि अगर कोई प्लेयर कोरोना पॉजिटिव होता है, प्रो कबड्डी शायद डर के कारण ना डरा हो, लेकिन कोई सोर्सेस तो डेफिनेटली डालते, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, कोई बड़ा सोर्स हो, डेफिनेटली वो ये चीज़ डालते कि कोई प्लेयर पॉजिटिव पाया गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे IPL हो, IPL में भी ऐसा ही आया था खबर, और खबर आया था सोर्सेज ने डाला था, लेकिन अभी तक कोई भी सोर्सेज से पता नहीं चला है कि क्या ये पॉजिटिव हुआ है, लेकिन जितना पता चला है मैं आपको बताऊँ। तो मोनू गोयत का जहाँ तक बात है, राम मेहर सिंह ने कहा था कि मोनू गोयत को रेस्ट दे रहे, 2-3 मैचेस से वो खेल देखने को नहीं मिल रहे, तो मोनू गोयत को बिल्कुल तैयार किया जा रहा है, रेस्ट दिया जा रहा है, और तो इसीलिए, लेकिन लोग ये सब सोच रहे कि मोनू गोयत पॉजिटिव हो गए, बिल्कुल नहीं, मोनू गोयत पॉजिटिव नहीं हुए जहाँ तक मुझे पता चला। अगर वो पॉजिटिव होते तो प्रो कबड्डी डेफिनेटली उसी समय पोस्टपोन हो जाता, क्योंकि तो और भी केसेस होते जिससे जिससे मोनू गोयत जिसके जिसके टच में आया, जिसको जिसको उन्होंने डेफिनेटली वो रेड किया होता, जितने प्लेयर्स को टच किया वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव पाए गए, और जिसके साथ मोनू गोयत रूम मतलब अगर एक रूम में 2 जना रह रहे तो डेफिनेटली वो जो उनके साथ में जितने लोग कॉन्टैक्ट में थे मोनू गोयत के, वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव होते हैं। तो जहाँ तक मोनू गोयत का बात है, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला, जितना मुझे पता चला उसके हिसाब से तो भाई मोनू गोयत पॉजिटिव नहीं है, बस उन्हें रेस्ट दिया गया है, मतलब रेस्ट मतलब उन्हें आराम दिया गया है कुछ मैचेस के लिए, राम मेहर सिंह ने जैसा कहा। दूसरे नाम आते हैं सुनील। अभी जो सुनील है, ये जो प्लेयर है सुनील का जहाँ तक बात है, जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था अपना, उसमें उन्होंने 9 टैकल पॉइंट हासिल किया यार, मतलब जितने रेड में मतलब सुपर टीम देखने को मिलता है, 9 टैकल पॉइंट कोई इजी नहीं है भाई, इट्स अ मिरेकल इन कबड्डी, ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो क्यों उन्हें ड्रॉप किया गया? इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद में उतना उन्होंने प्रूव किया तो क्यों उन्हें ड्रॉप किया पटना ने? इसका रीज़न तो अभी तक क्लियर नहीं है। आई थिंक सुनील और जो मोनू गोयत थे, दोनों को कोच आराम दे रहे, डेफिनेटली आने वाले मैचेस में हमें देखने को मिल जाएंगे इसीलिए। और जहाँ तक कोरोना पॉजिटिव का बात, अगर ये दोनों प्लेयर पॉजिटिव होते ना भाई, तो पहला बात है कि प्रो कबड्डी पोस्टपोन उसी समय हो जाता है, ठीक है, एक प्लेयर नहीं, 2 प्लेयर अगर पॉजिटिव होता तो धीरे धीरे सारे प्लेयर हो जाते, तो प्रो कबड्डी उसी समय पोस्टपोन हो जाता, तो अभी तक तो ये देखने को हमें नहीं मिला है।
तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने पता किया, तो ये जो मोनू गोयत है और ये सुनील है, दोनों प्लेयर्स पॉजिटिव नहीं हुए। दोनों बड़े प्लेयर है, अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों प्लेयर पॉजिटिव नहीं हुए जहाँ तक मुझे पता चला, मैंने पता लगाया। और तीसरे, मैंने तीन नाम बोला था ना भाई, तीसरे प्लेयर है रण सिंह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैंने कोविड कंटिजेंसी का जो कहा, आई थिंक कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है डेफिनेटली, तभी यहाँ पे रण सिंह हमें देखने को मिले। तो आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि पटना। और एक और चीज, ये एक और पॉइंट मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा, और वो चीज़ ये है कि जब पटना का जो मैच था, उससे पहले, मतलब ये मैच होने वाला था, उससे पहले पटना का दबंग दिल्ली के खिलाफ मैच हुआ था और उससे वो मैच हार गया। उससे पहले बेंगलुरु से ही मैच था। हो सकता है लगातार मैचेस के कारण ये डिसीजन लिया गया हो। तो मैंने आपको सारे रीजंस बताए कि मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव नहीं है। अब जो भी न्यूज आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर कोई भी प्लेयर पॉजिटिव पाए गए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वरना मैं कम्युनिटी में डाल ही दूंगा। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।